मिर्ची का सालन। हाय, वेलकम टू संजीव कपूर खजाना। मैं हूँ जाई और आज हम बनाने वाले हैं मिर्ची का सालन। सालन एक हैदराबादी डिश है और ये बिरयानी के साथ सर्व होता है। चलिए नोट करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। मिर्ची का सालन बनाने के लिए हमें चाहिए 20 भावनगरी मिर्ची, जिन्हें हमने स्लिट कर लिया है, 2 बड़े चम्मच तिल, 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटा चम्मच जीरा, आधा कप भुनी हुई मूंगफली, 2 सूखी लाल मिर्च, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा कटा हुआ, 6 से 8 लहसुन की कलियां कटी हुई, 1 छोटा चम्मच राई, 8 से 10 कड़ी पत्ते, 1 मध्यम आकार का प्याज कसा हुआ, 1 छोटा चम्मच हल्दी, 2 बड़े चम्मच इमली का पल्प, नमक स्वाद अनुसार, 2 बड़े चम्मच तेल और शैलो फ्राइंग के लिए तेल। मैंने यहाँ पे एक नॉनस्टिक पैन गरम करने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी जीरा, जीरे के साथ साथ इसमें मैं डालूंगी साबुत धनिया और तिल, और इन सब चीजों को अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। चलिए, हमारा ये जीरा, धनिया और तिल अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब हम इन्हें एक मिक्सी के जार में डालेंगे। इसके साथ साथ हम इसमें डालेंगे ये सूखी लाल मिर्च, सिंगदाने, अदरक, लहसुन, और इसमें पानी डाल के इसका एक पेस्ट बना लेंगे। चलिए, हमारा ये मिक्सचर पीस चुका है, इसे बंद कर देते हैं। देखिए, अच्छी तरह से ये पीस चुका है। मैंने यहाँ पे एक नॉनस्टिक पैन गरम करने के लिए रखा है। इसमें मैं डालूंगी तेल, करीबन 3 बड़े चम्मच तेल। तेल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाए, इसमें डालेंगे हम ये मिर्ची और इन्हें टॉस कर लेंगे। आप इन मिर्चों को डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप तेल का कम इस्तेमाल करना चाहें तो आप इन्हें शैलो फ्राई कर दीजिए। चलिए, हमारी ये मिर्ची अच्छी तरह से टॉस हो चुकी है। अब हम इन्हें एक बोल में ट्रांसफर करेंगे और साइड में रख देंगे। इसी पैन में अब हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। तेल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाए, अब हम इसमें डालेंगे ये राई। राई जैसे ही फूटने लगे, हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ते, और इसके साथ साथ हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक सौते कर लेना है। प्याज अब गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसमें हम डालेंगे हल्दी और इसे मिक्स कर लेंगे। हल्दी के बाद हम इसमें डालेंगे पेस्ट और इसे मिक्स कर लेंगे। मसाला डालने के बाद हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये पूरा तेल छोड़ देता है। इसे करीबन 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे हम। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, करीबन 1.5 कप पानी, और इसे अच्छी तरह से उबाल लेंगे। अब इसमें एक उबाल आ चुका है, इसमें हम डालेंगे इमली का पल्प और इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें डालेंगे नमक और ये मिर्ची जिसे हमने शैलो फ्राई कर लिया है। मिर्ची डालने के बाद हम आंच धीमी करके इसे 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। मिर्ची का सालन तैयार है। इसे बिरयानी के साथ तुरंत परोसिए।